हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,739 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,577। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। एक रिकवरी टू साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ से जब नीचे आया तो कल का जो लो था और क्लोजिंग लेवल था उसी के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट करके जब बाउंस बैक हुआ, तब ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,759 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,786 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा था तो एक साइडवेज मोमेंटम में हमें पूरा दिन निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखा। कई बार इसने फर्स्ट टारगेट का रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से एक बार इसने सेकेंड टारगेट के पास ही एग्जैक्ट 786 लेवल के पास ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो एक काफ़ी एक्यूरेट लेवल आज भी साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलना होगा। चलते 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। अभी आज देखें तो एक रिकवरी मोड में निफ्टी इंडेक्स देखने को मिला, लेकिन ये रिकवरी क्या अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, कहाँ पर सपोर्ट है? तो यहाँ पर अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो सेकेंड अटेम्प्ट इसने बनाया था 786 के पास इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया था, वो कल हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। और ये अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,809, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद जो हर्डल है वो 1020 EMA का होगा, यानी 14,832 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करें और ब्रेकडाउन लेवल को जस्ट ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अभी जो कल का क्लोजिंग लेवल है, लो लेवल है 14,631, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,593, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। काफ़ी बड़ा टारगेट हो रहा है, 14,609 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,582, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यानी ये जो कैंडल का टेल छोड़ा है इसका लो हमारा सेकेंड टारगेट होगा कल के लिए। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज सुबह एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया ब्रेकआउट लेवल के पास, और फिर जैसे ही ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया एग्जैक्ट से क्या फर्स्ट टारगेट के पास इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे ब्रेकडाउन लेवल को काफ़ी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था, पूरे दिन ब्रेकडाउन लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 60 मिनट के चार्ट पर जाना होगा, लेकिन उसके पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में 20 EMA के पास आके इसने पॉज ले लिया। अभी यह डाउनफॉल जो है वो क्या 20 EMA के पास रुकेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक होगा? बाउंस बैक होगा तो ये जो हाई है इसको कंफर्टेबली ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं ओवरनाइट के लिए। अदरवाइज ये 20 EMA को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल हो सकता है अराउंड 34,644 के पास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो अभी फिलहाल 20 EMA एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। चलते 60 मिनट के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, यानी 34,976 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,834, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,649, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकआउट लेवल सेम होगा जो कल का था, आज के लिए मतलब 35,529 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा कल के लिए। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,620, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,715, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।